अपने आप में ये एक प्रेरणा की यात्रा है और अपने आप में एक ऐसे शिष्य की यात्रा है जो हम सबको बताती है कि संभावनाएं लेकर के हम सभी आते हैं, लेकिन युग ऋषि के संदेशों को, उनके विचारों को, उनकी चेतना को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार से निखरते चले जाते हैं। आज जब हम चेतना दिवस की बात कर रहे हैं तो ये अवसर है कि हम सभी एक बार सोचें किस स्वरूप में कि आपने देखा कि विविध भूमिकाओं में एक ही व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर का व्यक्तित्व किस प्रकार से प्रभाव सब पर छोड़ता है, करोड़ों लोगों को जो प्रेरणा दे रहे हैं। इस यात्रा का शुभारंभ या आरंभ कैसा रहा होगा, वो पल जब स्कूल के वो टॉपर रहे, वो पल जब कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी के हो, उसके वो टॉपर रहे, MD गोल्ड मेडलिस्ट USA मेडिकल सर्विसेज सामने खड़ी है, लेकिन तब आते हैं गुरु और स्वयं भगवान, हमारे गुरु ने एक उनकी नई परीक्षा ली, स्वयं महाकाल जिनके परीक्षक रहे, और आपने अपनी पात्रता के माध्यम से उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और वहाँ भी आप कुछ ऐसे अव्वल रहे कि युग ऋषि की उन प्रेरणाओं को लेकर के बढ़ने के लिए, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपने एक संकल्प लिया। इस शुभ अवसर पर, दिव्य अवसर पर हम हृदय से आमंत्रित करते हैं, प्रार्थना करते हैं परम श्रद्धेय से कि आपका शुभ जन्मदिवस, यह चेतना दिवस जो हम सब के लिए एक प्रेरणा दिवस है, एक शिष्यत्व की उस यात्रा को सराहने का दिवस है, उस शिष्यत्व की यात्रा से प्रेरणा लेने का दिवस है। जिन जिन भूमिकाओं में भी आप गए, उत्कृष्टता से ही आपका नाता रहा, कलम आपने उठाई तो आपकी लेखनी ने कुछ यूं लिखा कि वो उत्कृष्ट हो गई, जिस दिशा में आपने संकल्प लिए वो संकल्प कुछ यूं पूरे होते गए कि वो उत्कृष्ट होते गए। जिन जिन संकल्पों को लेकर के आप आगे चले हैं, उन संकल्पों को लेकर के आपने एक नई टीम खड़ी की। लोगों को आज जब आस्था संकट होता है तो ऐसे आस्था संकट के युग में आपने जिस पर भी विश्वास किया उसको गढ़ते चले गए, जिम्मेदारियां दी, लोग निखरते चले गए। एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को आज हम सभी सुनने जा रहे हैं, चेतना दिवस के शुभ अवसर पर निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे परम श्रद्धे से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। परम श्रद्धे आज हमारे मृत्युंजय सभागार में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, जो भी कुछ अभी आपने देखा, ये मेरी अकेले की उपलब्धि नहीं है, इसके पीछे महाकाल की योजना है, प्रेरणा है, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है और एक बहुत बड़ी टीम, हजारों लाखों व्यक्ति जिसमें जुड़े हुए हैं, उन सब का हाथ है। तो मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरा अकेले का है, मैं निमित्त बना और निमित्त बनकर के आगे आया, मैंने अपने आप को गलाया, मैंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को गलाया। बहुत सारी महत्वाकांक्षा हैं जो दिखाई पड़ती हैं कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, हम UNO चले जाएं, हम जगह जगह जाके लेक्चर दें, सब कुछ करें, पर किसी न किसी को तो गलना पड़ता है, किसी न किसी को बीज बनना पड़ता है, तब जाकर वटवृक्ष बन पाता है। जो इतना बड़ा वटवृक्ष दिखाई पड़ता है आज, वो सारा का सारा परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से बन पाया है, मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसमें मध्य में एक न्यूक्लियस के रूप में, एक नाभिक के रूप में सस्टेंड, एक सबसे बड़ी जो सफलता है सामाजिक जगत में वह है सस्टेनेंस, अनवरत, निरंतर। सबसे बड़ी बात है निरंतर, यह निरंतरता, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, यही सफलता जबकि भी है, अगर जब आप करते हैं रोज, तो निरंतरता से करने से और रेगुलरिटी नियमित रूप से करने से आपको फल मिलता है। मैं समझता हूँ कि मैंने भी जो जीवन साधना की है, उस जीवन साधना में बहुत सारे व्यवधान आए। स्वास्थ्य ने बार बार मेरे को ठोका, बार बार मेरे को खटखटाया और कहा चलो चलो बिस्तर पे लेटो, क्या करोगे। मैं फिर उठ के खड़ा हो गया। मैं जो उठ के खड़ा हो गया उसके पीछे गुरुदेव का बल था और कुछ नहीं था। अगर मैं नहीं उठ के खड़ा होता तो शायद लेटा रह जाता, शायद लेटा रह जाता तो फिर मैं लेटा ही रहता और फिर उसके बाद ये सफलताएं नहीं मिलती। जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए एक सफलता की राह दिखाने की बात करता हूँ मैं, कि मैं
प्रतिकूलताओं के बीच में पल के बड़ा हुआ हूँ। प्रतिकूलता इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैंने मेरी बहुत परीक्षाएं हुई हैं, बहुत परीक्षाएं। जिस दिन से आया हूँ शांतिकुंज में 1977-78 में, तब से लेकर अभी तक निरंतर परीक्षाएं मेरी चल रही हैं और विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी है। डॉक्टर हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इसके बावजूद भी उन सब परीक्षाओं से मैं निकलता चला गया। मैं शायद यहाँ नहीं होता, कहीं और होता, किसी के घर में होता। जो मेरा जन्म हुआ, मेरी नानी जी बताती थी कि बेटा तुम जब हुए तो तुम्हें कोई महिला उठा के ले गई, तुम बहुत सुंदर थे, मुझे ऐसा बताया जाता है। मुझे नहीं मालूम मैं कैसा हूँ, रूप चतुर्दशी है, आप लोग खुद मूल्यांकन करो। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ जैसे दिखाई पड़ता हूँ। और उन्होंने कहा तुम बहुत सुंदर थे, उठा के ले गई वो तुमको, और तुम्हारे बदले में एक लड़की को लिटा गई। अरे तो लड़की आ जाती तो अच्छा रहता, वही मिशन को चलाती, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरी नानी जी चिल्लाई जोर से और बोली, अरे नहीं, मेरा नाती यहीं था और कहाँ चला गया। और वो फिर उसके बाद हल्ला मचा पूरे हॉस्पिटल में, कालबा देवी हॉस्पिटल मुंबई, बिल्कुल समुद्र के किनारे। और वो चिल्लाई तो उसका परिणाम ये हुआ कि पता चल गया कि असली असली जो सरस्वती देवी पंड्या का जो बेटा है वो ये है, और वो बेटी जो है वो किसी और की है। वो थी मुस्लिम महिला, हो सकता है मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ होता, पर वहाँ भी युग निर्माण का अलग जगा रहा होता अगर मैं गया होता तो। हो सकता है वहाँ जाकर युग निर्माण की बात कर रहा होता। पर खैर, मुझे गुरुदेव मिलने थे, और गुरुदेव मिलने थे तो इसी परिवार में मिलने थे, मेरे माता पिता के। मुझे बहुत बहुत प्यार मिला, सानिध्य मिला, शक्ति मिली, प्रेरणा मिली, संस्कार मिले, सत्संग मिला। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा परिवार जुड़ा हुआ था महापुरुषों से, और गुरुदेव से जोड़ने का काम मेरे पिताजी ने किया। और एक बाप जी हुआ करते थे, बाप जी मतलब महामंडलेश्वर जैसे, इस तरह के जैसे आजकल के लोग होते हैं, ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने ही मेरा नाम रखा था। 1950 में उन्होंने समाधि ले ली थी मेरे जन्म के एक महीने बाद। प्रणव नाम उन्होंने ही रखा था मेरा, प्रणव। और प्रणव के आगे एक शंकर भी लगा हुआ था, वो शंकर न जाने किस क्लर्क की एरर से गायब हो गया बीच में। 9वीं 10वीं में जब मैं आया तो तब तक वो शंकर उसने निकाल दिया कि शंकर फालतू लगता है, प्रणव पंड्या ठीक लगता है। तो प्रणव पंड्या तब से चल रहा है। मैं उसके बाद मेरे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव आए 1971 में। मैं और भी जल्दी मिल गया था गुरुदेव को 12 साल की उम्र में, पर या गुरुदेव मुझे मिल गए थे, गुरुदेव मुझे मिल गए थे। मैं ये नहीं कह सकता कि गुरुदेव को मैं मिल गया था, गुरुदेव मुझे मिल गए थे। और 1971 में गुरुदेव ने ज़बरदस्ती, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद जानते होंगे इस बात को कि किसी युवा की ज़बरदस्ती शादी कर दो तो कितना बुरा लगता है। मेरी भी ज़बरदस्ती शादी करने की कर दी गई, बाल विवाह कर दिया गया मेरा। जीजी थी 17.5 साल की और मैं था 20.5 साल का, 20 साल और 6 महीने। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, शादी हो जाए तो शादी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों कर रहे हैं शादी? बोले इसलिए कि मैं हिमालय जा रहा हूँ, हिमालय जाने से पहले मैं अपना कर्जा पूरा करना चाहता हूँ जो भगवान का मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपका ऋण है, आप मुक्त होइए, मेरे को क्यों फंसा रहे हैं बीच में। मैंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, परंतु उन्होंने जिस ढंग से, ऐसा कहते ना वो जाल फेंका, उस जाल में फिर मैं फंस गया बुरी तरह से और मेरी शादी हो गई। पर मेरी शादी के बाद जीजी ने मेरे जीवन में जो क्रांति लाई, जो कुछ भी आज मैं हूँ वो जीजी की वजह से हूँ। जीजी की, उनका प्यार, उनकी आत्मीयता, उनका सहज हर समय हर मौके पे मेरे साथ खड़े रहना, हर आफत में, हर आपदा में, हर विपत्ति में मेरे साथ खड़े रहना, हर निर्णय में मेरे साथ होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं, हम दोनों को वैवाहिक जीवन पूरा हुए 47 साल हो गए, 47 साल से हम लोग एक साथ जी रहे हैं। आजकल घर में विवाहित कपल एक साल भी नहीं रहता, एक साल के अंदर सास बहू के झगड़े हो जाते हैं पैदा, और उसके बाद
लड़ाई चालू हो जाती है और उसके बाद तलाक हो जाता है। पर हम दोनों 47 साल से जी रहे हैं और 3 साल बाद 2021 में जब शांति कुंज की गोल्डन एनिवर्सरी मनाई जाएगी, मतलब लगभग लगभग 50 साल पूरे हो जाएंगे शांति कुंज को, उस समय हमारे भी 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम 50वां साल वर्ष। मुझे उम्मीद है आज जो बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग 50वीं सालगिरह में ही मौजूद हों और बैठे हों यहाँ पे। मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ अपनी हर चीज़ के पीछे कंटिन्यूटी को, कि कभी निराश मत हो, कभी निराश मत हो, हर पल तुम्हारे लिए कोई नई उम्मीद लेके आएगा, नई आशा की किरण लेके आएगा। मुझे 2002 में विश्वविद्यालय आरंभ करने का योग मिला, 2010 में मुझे चिन्मय का साथ मिला, और 2010 के बाद चिन्मय ने जो गति दी मुझे, जो मुझे एक आशा दी, आशा की किरण दी कि और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं पापा, मैं आपका हूँ और मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ चलूँगा, कंटिन्यूटी। इसने मेरे जो उद्बोधन थे जिनमें जो ओज हुआ करता था, तेज हुआ करता था, 1990 में, मैं 1990 में पहली बार निकला था, उस ओज और तेज को मेंटेन रखकर उसने अपने माध्यम से याद दिला दी लोगों को। मेरे और चिन्मय में 27 साल का अंतर है और 27 साल के अंतर के बावजूद उसने चिंता की है पूरी कि पापा का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और मिशन की गाड़ी भी चलती रहे। बराबर अनवरत उसने हर चीज़ में साथ दिया है मेरा। इसके साथ साथ चिन्मय की पत्नी शेफाली, उसने जीजी का साथ दिया है, बहुत लगन के साथ जीजी का साथ दिया है और यही कारण है कि जीजी बहुत सारे काम कर पाती हैं। उन दोनों प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं जो हमारी पोतियां हैं, स्तुति और आहुति दोनों। आहुति भी यही बैठी है पीछे सबके साथ, यही चिन्मय का स्वरूप था। चिन्मय भी सबके साथ, सब बच्चों के साथ बैठता था, जबकि उसके नाना जी, गुरुदेव, माता जी यहीं बैठे होते थे, वो भी पीछे बैठता सबके साथ। आहुति खड़ी है यहाँ कहीं, खड़ी हो सकती है? ये रही आहुति और ये स्तुति है, ये स्तुति खड़ी हो जाए, ये स्तुति है। दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारी, लोग हमारे पास आते हैं और बच्चा लड़का मांगते हैं कि हमें लड़का चाहिए, हमें लड़का चाहिए। हमने कहा देखो गुरुदेव को बेटा हुआ तो बेटे की शादी कर दी उन्होंने, बेटे की शादी करने के बाद उनको 3 लड़कियाँ हुई बेटे को, उनके लिए तो वो लड़की नहीं, लड़का नहीं ला पाए, पोती नहीं ला पाए, उनके लिए पोता नहीं ला पाए। मैं भी अपनी दोनों पोतियों के बदले में पोता नहीं ला पाया, क्यों? क्योंकि हमें बच्चियाँ पसंद हैं, हमें लड़कियाँ पसंद हैं, हमें लड़कियों से बहुत प्यार है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मुझे इतनी सारी पोतियाँ मिल गई, इतनी सारी वो मिल गई, बच्चियाँ मिल गई कि मेरे को बड़ा गर्व होता है कभी कभी। अभी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया इन्होंने, बहुत सुंदर प्रस्तुत किया, जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण हुआ है और जिस ढंग से ये जो बनी है यहाँ की EMD की प्रस्तुतिकरण हुआ है, वो भी बहुत सुंदर हुआ है। मैं समझता हूँ कि कोई भी कार्य जो है एंडलेस है, कभी समाप्त नहीं होता। अभी मुझे नहीं मालूम कितने साल जीना है, जिस उम्र में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस उम्र में गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण लिख दिया था, जिस उम्र में 68 में गुरुदेव ने 68 ईयर्स की एज में प्रज्ञा पुराण लिख करके, उसके बाद उन्होंने न जाने कितने ये प्रज्ञा संस्थानों का उद्घाटन किया था। खुद अकेले निकल गए थे, सबके साथ दो लोगों के साथ निकल गए थे, और उसके बाद हजारों की भीड़ के बीच में उन्होंने न जाने कितने शक्तिपीठ खड़े किए, और उन शक्तिपीठों को 82 में उन्होंने विराम दे दिया, 1982 में 79 से चालू किया और 82 में विराम दे दिया। उसके बाद फिर नहीं निकले गुरुदेव, फिर उन्होंने अपने लिए एक टारगेट तय कर लिया। पर जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो किया 88 से लेके 1990 तक, जब उन्होंने क्रांतिधर्मी साहित्य लिखा। तो अभी मेरे लिए चुनौती बाकी है, मेरे को और भी क्रांतिकारी साहित्य लिखना है और क्रांतिकारी काम करना है। अभी मैं अभी केवल 68 साल की गुरुदेव की उम्र तक पहुंचा हूं, मेरे को अभी 78, उसके मालूम बाद मालूम नहीं कितना एक्सटेंशन मिलता है, 98 मिलता है कि 88 मिलता है, क्या मिलता है। पर मैं जिंदगी लंबी होनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, जिंदगी में बड़प्पन होना चाहिए, बस ये मेरा उद्देश्य है। मालूम नहीं ये चेतना दिवस का क्रम चल पड़ा तो ऐसा चल पड़ा कि हर साल
प्रशस्तियाँ गाई जाती हैं, आशा आशा अपेक्षा रखी जाती। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं अगले साल भी इसी तरह से उत्साह के साथ खड़ा होकर के तुमसे बात करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि तब तक सब मेरा साथ देने वाले और भी बहुत सारे लोग होंगे, नए नए आयाम होंगे, नए नए डायमेंशन होंगे। ग्रह ग्रह यज्ञ, ग्रह ग्रह गायत्री उपासना, ये एक नया नई चीज़ हमने चालू की है। इसमें ऐसा हमारी उम्मीद है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक क्रांति आएगी, और इसके माध्यम से एक बहुत क्रांतिकारी उत्साह लोगों के अंदर फैलेगा, संचरित होगा, और देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा जब ग्रह घर गायत्री पहुँचेगी। गुरुदेव ने 1971 में एक लेख लिखा था, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा। मैंने उस लेख को अपने जीवन का आधार बना रखा है, सारे वातावरण को गायत्रीमय बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है, निरंतर करनी। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद मेरा मूल मर्म है, जिसके माध्यम से मैंने अपने जीवन को जोड़ा है, और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के द्वारा मैं जगह जगह प्रेरणा देता हूँ। अब सारा मीडिया, सोशल मीडिया, वो भी आगे आ गया, और उसने आकर के, अभी आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से आ रहा है कि गायत्री मंत्र से ज़्यादा वैज्ञानिक, विज्ञान सम्मत, गायत्री मंत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण मंत्र और कोई नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अब धीरे धीरे सब जगह से लोगों की स्वर से आवाज़ ये निकलेगी। मेरा लक्ष्य है 2026 वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, उस जन्म शताब्दी तक एक टारगेट तय कर रखा है मैंने, उस टारगेट को पूरा करूंगा, और उस टारगेट को पूरा करने के बाद 2026 से 2040 तक का टारगेट तय करूंगा, अगर मुझे समय मिला तो, अगर मुझे भगवान एक्सटेंशन दिया तो, नहीं तो मैं निरंतर अपनी क्लासेस देता रहूंगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। खूब खूब मंगल कामनाएँ सबको, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, अन्नकूट की, और हमारे गोवर्धन पूजा की, सबकी मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना। परम श्रद्धेय का हृदय से आभार, उनके माध्यम से प्रसाद आमंत्रित किया जा रहा है जो आप तक पहुंचेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गुलाब जामुन के साथ मेरा फोटो लिया जा रहा है। आई एम सॉरी, मैं गुलाब जामुन नहीं खाता। मैं कभी, बहुत इच्छा थी मेरी, कभी खाता था मैं, पर 2009 में मुझे डायबिटीज़ हुई, पिताजी की डायबिटीज़ की वजह से। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत कंट्रोल, मैंने वेट भी बहुत कंट्रोल कर लिया, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर ली। हल्का फुल्का बनना चाहता हूँ, हल्का फुल्का बन के हवा में उड़ना चाहता हूँ। खूब खूब क्या चेतना दिवस की प्रेरणाएँ देकर के परम श्रद्धे हम सभी के मध्य से प्रस्थान कर रहे हैं, जिन्होंने सोतों को जगाया, जगतों को चलाया और चलतों को सदैव दौड़ा रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धे का शुभ जन्म दिवस, चेतना दिवस। आप सभी अपने स्थान पर अभी बने रहेंगे, जो हमारे नवागंतुक परिजन यहाँ पर आए हैं वो सभी अपने स्थान पर बने रहें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा क्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।